हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन सभी के लिए अच्छा रहे। दोस्तों आज के लिए ग्लोबल मार्केट के लाइव अपडेट और निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2023। आज के लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत, ग्लोबल मार्केट एज कंपेरेटिव दो दिन से आज के दिन हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। डाउ जोन लगभग 33,760 यानी कि 150 पॉइंट की बढ़त के साथ फिलहाल कामकाज कर रहा है। डाउ जोन में हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। डाउ जोन ने एक ऊपरी स्तर पर 33,900 का हाई देने के बाद अभी फिलहाल वो 33,700 में 150 पॉइंट की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नजदाक है 15,286, 99 पॉइंट की बढ़त। डैक्स 15,423, 295 पॉइंट की बढ़त। निक्केई 31,838 और 570 पॉइंट की बढ़त। FTSE 7,621, 98 पॉइंट की बढ़त। CAC CAC 7,114, 58 पॉइंट की बढ़त। और गिफ्ट निफ्टी अभी 19,776 यानी कि 266 पॉइंट की बढ़त। तो अभी आज के लिए निफ्टी की ओपनिंग एक लगभग 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे, जो भी कल के लिए 19,738 पर क्लोजिंग हुआ था 10 अक्टूबर को। दोस्तों कल जो गलती की है वो गलती आज हमें करनी नहीं है। कल मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने ज्यादातर हम पुट की पोजीशन ली थी, उसकी बदौलत मार्केट में उछाल देखने को मिली और जिन्होंने भी एवरेजिंग की है उनको भारी भक्कम लॉस मिला है। दोस्तों आज के दिन थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, ज्यादा एवरेजिंग मत कीजिए। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहिए, ना कि उसको आप पुट बाय करके चले। तो ओवरऑल सेंटीमेंट हमें मार्केट में पॉजिटिव ही दिख रहा है, कहीं भी हमें निगेटिव नहीं दिख रहा है। जो भी वार जो युद्ध के न्यूज चल रही है उसका मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसका एक ही दिन में असर पड़ा था, अभी कुछ असर नहीं है। फिलहाल जब तक कोई निगेटिव न्यूज आती नहीं है तब तक आप मार्केट में पॉजिटिव बने रहिए। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। जल्दी कल ही मैं आपको वापस ग्लोबल मार्केट के लाइव अपडेट लाऊंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।